Hey Triple Triples, today I am going for a solo date because I want to romanticize my life a little bit. बहुत टाइम से अराउंड 6 months से 7 months से ना मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ अकेले, और मेरा बहुत मन था कि मैं कहीं अकेले जाऊँ और इन्जॉय करूँ. एंड टुडे आई एम गोइंग टू इन्जॉय एवरी थिंग. लाइक अभी मुझे ये भी नहीं आइडिया मैं कहाँ जा रही हूँ, और मतलब कोई आइडिया नहीं है. बट द थिंग इज कि ऑन द स्पॉट, लाइक ऑन द वे, आई ट्राई कि मैं कोई अच्छी सी लोकेशन डिसाइड कर लूँ. द थिंग इज कि काफ़ी लोग होते हैं जो क्या कहते हैं सोलो डेट या अकेले घूमने पे ऐसे कहते हैं कि भाई बोर नहीं हो जाते तुम लोग? यार बोर होते हैं, सब स्टार्टिंग में बोर होते हैं, बट आई गेस धीरे धीरे अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग योर ओन कंपनी. मैं बहुत छोटी थी तब से मैं बाहर अकेले जा रही हूँ, और क्या कहते हैं बहुत ही मज़ा सा आता है. आई डोंट नो वाई, बट मेरे लिए ये आइडिया बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है. एंड आई गेस आप सबको भी ना कभी लाइक महीने में या 6 महीने में एटलीस्ट, मैं तो बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ अकेले, बट आप लोगों को भी ना अकेले जाना चाहिए, और उस टाइम पे उस पर्टिकुलर मोमेंट में किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए. आज मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, आज सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी, और आज मैं सिर्फ इन्जॉय करूंगी. तो सोलो डेट पे ना सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप अपने बारे में, अपने आप को और भी ज़्यादा एनालाइज करके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिल्ली की गर्मी, कसम से बाल खोलने का सोचा था, बट लुक, बाल खोलने की जगह बाल बंद गए, थोड़ी देर में जूड़ा भी बन जाएगा. राइट नाउ आई एम इन डॉल म्यूजियम जो कि ITO पे है. मैं यहाँ पे बहुत छोटी थी तब आई थी, और फिर ना मतलब ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि आज मैंने सोचा कि चलो यार चलते हैं, मतलब कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाना है. बट फिर ना क्या था कि यार इतने टाइम से डॉल म्यूजियम नहीं गई, तो चलते हैं वहाँ. तो मैं अभी फ़िलहाल डॉल म्यूजियम में हूँ. अगर यहाँ पर हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो आई ट्राई टू शूट वीडियोस, बट आई गेस यहाँ पे प्रोहिबिटेड होगा, तो आई कैन वायलेट द रूल्स ना. तब मैं यहाँ पे आई थी विथ माई मॉम एंड माई ब्रदर, एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैं आज आई हूँ. मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है, इतना मज़ा सा आ रहा है, आई कैन टेल यू. मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी कंट्रीज़ की और इंडिया के काफ़ी स्टेट्स की डॉल्स मिलेंगी, मिनिएचर डॉल्स, और क्या कहते हैं आपको बहुत सारे कैरिकेचर्स मिलेंगे. बहुत ही ब्यूटीफुल सा है यहाँ पे, बट द थिंग इज़ अंदर अलाउड नहीं है शूट करना. तो आई ट्राइड कि मैं थोड़ी छोटी वीडियो शूट कर सकूँ सो दैट आपको कुछ आइडिया हो कैसा है. पर ना काफ़ी डॉल्स हैं, बहुत सारी कंट्री की डॉल्स हैं, इवन इंडिया के काफ़ी स्टेट्स की डॉल है, मिनिएचर डॉल्स है. यू विल बी एबल टू सी कल्चर ऑफ एवरी कंट्री एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया. मतलब यू विल एंजॉय दिस प्लेस. इफ यू वॉन्ट टू विजिट डॉल म्यूजियम, ITO जो है मेट्रो स्टेशन, दैट्स द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, उसका गेट नंबर 4 से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको ये बिल्डिंग मिल जाएगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आज का पूरा दिन ना म्यूजियम ही घूमने में चला जाएगा. मतलब पहले मैं डॉल म्यूजियम गई, बहुत ही मज़ा आया मुझे. फिर उसके बाद फाइनली मैं आज रेलवे म्यूजियम जा रही हूँ. मैं काफ़ी टाइम से अपने दोस्तों को बोल रही थी यार चलो ना रेलवे म्यूजियम चलते हैं, बट दे वर लाइक नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे भाई, तिवारी तू रहन दे. ठीक है कोई नहीं, तिवारी अकेली चली जाएगी, तिवारी अकेले आ भी गई. तो फाइनली मैं भी फिलहाल नेशनल रेलवे म्यूजियम पे हूँ, और मतलब अभी टिकट्स ले ली है मैंने और मैं अंदर जाने वाली हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट इज़, लेकिन हाँ मेरे को एक और चीज़ बतानी थी. वहाँ पे ना 4 चीज़ें होती है, स्टीम स्टिमुलेटर और सम कहते हैं टॉय ट्रेन समथिंग सा, और पता नहीं कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, बट ठीक है. बट वहाँ पे वो सारी राइड्स नहीं थी, तो बस एक ही थी जॉय ट्रेन, तो मुझे वो लेनी पड़ी है, बाकी थी नहीं. बाकी एंट्री, और यहाँ पे क्या होता है एंट्री फ़ी लेनी होती है आपको, वीकडेज और वीकेंड्स के ना क्या कहते हैं रेट्स अलग होते हैं. तो अभी तो मैं वीकडेज पे आई हूँ, तो क्या कहते हैं उसके रेट और वीकेंड्स के अलग हुए, तो मैंने वो एंट्री फ़ी और एक जॉय ट्रेन की टिकट ली है, क्योंकि उसके अलावा बाकी के थे नहीं. आज ना गर्मी भी बहुत है, मैंने वेदर फोकास्ट देखा था और आज का टेम्परेचर थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना चला जाए, बट मुझे नहीं पता था कि कम होने के बावजूद ये बहुत गर्मी होगी.
आखिरी दिल्ली की गर्मी है ना, तो क्या कहते हैं मेरा जूड़ा वूड़ा सब बन चुका है, लेकिन अंदर जाएंगे थोड़ा देखेंगे। पता है मैं यहाँ पे बचपन में आया करती थी, मतलब 2-3 बार आई हूँ, ज़्यादा नहीं, बचपन में आई थी, उसके बाद मैं आज आ रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है मैं आज सिर्फ ना वो जगह विजिट कर रही हूँ जो मैं बचपन में घूमी हूँ। ये ना मैं जिस पे बैठी हुई है जॉय ट्रेन है, मैंने अभी से मतलब अभी इस पूरी ट्रेन को मैंने शूट नहीं किया है, बट आई ट्राई टू शूट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं ना कि मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि उन लोगों के आगे शूट करना, थोड़ा नया नया एक्सपीरियंस है ना, बट अभी देखते हैं। इस ट्रेन में ना शीप्स आती थी, और इससे मेरा भाई बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। मेरा भाई शीप नहीं है, बट मेरे भाई को ये ट्रेन बहुत अच्छी लगेगी। अब क्यों लगेगी वो मेरे भाई और मेरा सीक्रेट है। मैं अपने लोगों से हाथ मिला रही हूँ, लेकिन ये मिलाना नहीं चाह रही, इसका मतलब ये मेरे लोग नहीं है। As you can see, मैं बीकानेर पहुंच चुकी हूँ। और एक छोटा सा क्यूट सा मैं आपको ना स्टेशन दिखाती हूँ। बीकानेर है और ये कन्नूर है। मैं कितनी जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच गई, लगता है मेरे पास एनीवेयर डोर है क्या डोरेमोन का। म्यूजियम में आपको सिर्फ इंडोर वाला जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे थोड़ा सा एसी मिल जाएगा, बाकी आपको पूरा टाइम धूप में रहना पड़ेगा। एज यू कैन सी द स्वेट ऑल ओवर माई फेस। और यहाँ पर ना क्या कहते हैं, यू विल बी एबल टू सी लॉट्स ऑफ ट्रेन, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक नो मोर अबाउट द ट्रेन एंड यू हैव इंटरेस्ट इन दिस टाइप ऑफ थिंग, तो यहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करिए। अकेले घूमने में ना सबको मज़ा आता है, बट कई बार अपने पे इन्वेस्ट करना, टाइम, मनी, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी तुम कर सकते हैं ना अपने पे इन्वेस्ट। I've never had anyone complain the words I say. You told me the word. So here my day ends. I hope you all will enjoy my vlog. Till then, bye bye.